एक सवाल ये लिखने वाले ने पूछा है कि अगर किसी आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दी है और अब वो उससे रुजू करना चाहता है तो रुजू करने का क्या तरीका है। जी, इसमें पहली बात ये समझ लें कि तीन तलाकें देने के बाद रुजू नहीं हो सकता। अगर एक आदमी ने अपनी बीवी को तीन तलाकें अलग अलग दी हैं या तीन तलाकें इकट्ठी एक ही मजलिस में दे दी हैं तो अब ये आदमी रुजू नहीं कर सकता। इसके पास रुजू करके बीवी को दोबारा अपने साथ रखने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। हां, अगर किसी आदमी ने अपनी बीवी को एक या दो सरी तलाकें दी हैं, एक तलाक दी है, दो तलाकें दी हैं, ये हैं सरी तलाकें, और अब ये रुजू करना चाहता है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि दो चार आदमियों के पास बैठकर उनके सामने ये कह दे कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी थी और अब मैं उससे रुजू कर रहा हूं, वापस उसे अपनी जोजियत में रख रहा हूं। कम अज कम दो आदमियों का होना जरूरी है, तो रुजू हो जाएगा। जब उसने दो आदमियों की मौजूदगी में रुजू कर लिया उनको गवाह बना के, तो ये रुजू हो जाएगा चाहे बीवी राजी हो या ना हो। और दूसरा तरीका रुजू का अमली रुजू है, और वो ये है कि इद्दत के दौरान बीवी के पास जाकर उससे कुर्बत इख्तियार कर ले, बोसो किनार कर ले या उससे हम बिस्तरी कर ले, तो तब भी रुजू हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि रुजू के ये दोनों तरीके इद्दत के अंदर अंदर होना जरूरी है। अगर इद्दत गुजर गई है, रुजू नहीं किया, और इद्दत गुजरने के बाद ये दोनों मियां बीवी की हैसियत से इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो अब इन्हें नया निकाह करना होगा।